हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रीन चैलेंजर्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नंगो सीड्स कंपनी का अश्विन के बारे में। और दोस्तों, आज की वीडियो कल्टीवेशन सीजन रिकमेंडेड स्टेट नर्सरी क्रॉप साइकिल प्रोडक्शन और प्राइस रेंज के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक दिखिएगा। और दोस्तों, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंगो सीड्स कंपनी का अश्विन यह एक F1 हाइब्रिड करेला की वेराइटी है दोस्तों। अगर आप इस साल करेला की खेती करना चाहते हैं या फिर करेला की खेती करते हैं तो नंगो सीड्स कंपनी का अश्विन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए दोस्तों, पहली पॉइंट पे बात करते हैं इसकी कल्टीवेशन सीजन के बारे में। इस वैरायटी के करेला खरीफ सीजन और रबी सीजन यानी जून महीने से मार्च महीने के अंदर अंदर इस वैरायटी की करेला की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं इसकी रिकमेंडेड स्टेट के बारे में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, इन सभी स्टेट में इस वैरायटी की करेला की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं इसकी नर्सरी के बारे में। जैसे कि दोस्तों, इस वैरायटी की करेला खरीफ सीजन और रबी सीजन दोनों सीजन में खेती की जा सकती है, ठीक उसी तरह इसकी नर्सरी जून महीने से जनवरी महीने के अंदर अंदर किसी भी महीने में इसकी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों, और प्लांटेशन वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। चौथी पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों इसकी क्रॉप साइकिल के बारे में। इस वैरायटी की करेला प्लांटेशन के बाद 50 से 60 दिन के अंदर अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो सकती है दोस्तों, या फिर इसे आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पांचवी पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रोडक्शन के बारे में। इस वैरायटी के करेला दिखने में ग्रीन होता है दोस्तों, और एक करेला के वजन लगभग 30 ग्राम से 80 ग्राम तक का हो सकता है दोस्तों, अगर आप अच्छी तरीके से खेती करते हैं तो। छठे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस रेंज के बारे में। इस वैरायटी के करेला की बीज 10 ग्राम 1 पैकेट प्रिंट रेट 170 रुपीस दिया गया है दोस्तों, जबकि 150 रुपीस में मैंने 1 पैकेट खरीदा था। हो सकता है कि दोस्तों आपके एरिया में प्राइस थोड़ा ज़्यादा या फिर कम कीमत पर भी आपको मिल सकता है। और दोस्तों, हमारा एक निवेदन है आपसे, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, और वीडियो में कोई भी कमी या फिर कोई और तरह की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।